राजधानी लखनऊ में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां देर शाम लखनऊ के थाना हसनगंज में सीतापुर रोड पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी सवार पत्रकार को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी और सड़क पर जाम लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हादसा हुआ है बरसात के वक्त, ये बस वाले ने बाएं साइड से पूरा ओवरटेक करके, और जैसे युवक जो बता रहे हैं सचिवालय में था, उसकी दुर्घटना काफ़ी खतरनाक हुई, जिसका भेजा भी बाहर आ गया। यहाँ पे लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया। ना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते हजारों लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को वहाँ से खदेड़ा। मड़ियाओं के फैजुल्लागंज निवासी कुलदीप यादव विधानसभा के डिप्टी चीफ रिपोर्टर थे। हादसे में उनकी पत्नी माधुरी घायल हो गई हैं, उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद चालक भाग निकला था, जिसके बाद पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सीतापुर रोड स्थित मदेयगंज चौकी के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने साइड से उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि माधुरी उछलकर दूर जा गिरी। हादसे की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुलदीप की जेब से मिले मोबाइल फ़ोन के जरिए उनके घर वालों को सूचना दी। पुलिस ने माधुरी को ट्रामा सेंटर पहुंचाया और कुलदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।